तो आज की वीडियो में समझेंगे हैंड प्रोटेपर्स के बारे में, साथ ही साथ खोलकर देखेंगे इस बॉक्स को कैसे अरेंज होकर आते हैं, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए समझते हैं इसको, तो थोड़े से हाइलाइट्स पहले इसके देख लेते हैं। और ये हैंड प्रोटेपर्स की हम बात कर रहे हैं जो मैन्युअली हम आरसीटी के लिए यूज़ करते हैं। रोटरी प्रोटेपर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो चलिए हैंड प्रोटेपर्स की भी बात करते हैं। तो प्रोटेपर्स इंट्रोड्यूस बाय डीक्लेफ रेडल, डॉक्टर जोहान वेस्ट, बेन जॉन एंड डॉक्टर पेरे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। प्रोटेपर्स मीन्स प्रोग्रेसिवली टेपर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स इसमें हैं ये प्रोग्रेसिवली टेपर होते हैं, हर फ्लूट में इनका टेपर चेंज होते जाता है। और जो ये टेपर डिज़ाइन होता है, इट इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कटिंग एफिशिएंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर प्रोटेपर के क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन इसका होता है। एंड प्रोटेपर सिस्टम में तीन शेपिंग और तीन फिनिशिंग फाइल होती है, 6 फाइल्स ही इसमें होती हैं, 3 फिनिशिंग और 3 शेपिंग फाइल्स। तो ये हो गया इसके जनरल इन्फॉर्मेशन। तो अब इसको खोलकर देखते हैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसे पैकिंग में आते हैं, चलिए इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पर साइज लिखे हुए हैं SX, S1, S2, F1, F2 एंड F3। तो जो ये तीन हैं SX, S1, S2, ये हमारी शेपिंग फाइल्स हैं जैसा हमने समझा, एंड F1, F2 एंड F3 जो हैं वो फिनिशिंग फाइल है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। जो SX है ये जनरली गोल्डन कलर का हब इसका होता है, यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है। इसके बाद S1 जो है उसका हब जो होता है पर्पल कलर का, S2 वाइट कलर, F1 येलो कलर, F2 रेड एंड जो F3 है वो ब्लू कलर। नाइटाई मटेरियल के बने होते हैं। तो सबसे पहले SX की बात करें तो इनके फ्लूइड्स आप देख लीजिए, जैसे हम प्रोग्रेसिवली टेपर की बात कर रहे थे, ये ऐसे टेपर होते हैं, हर एक फ्लूइड्स में जाकर ये टेपर होते जाता है लास्ट तक। तो SX का यूज़ हम केनाल ओपनिंग को, केनाल ओरिफेसिस को बड़ा करने के लिए करते हैं, जैसे हम जीजे ड्रिल्स का यूज़ होता है वही काम SX हमारा करता है। फिर जो S1 है ये हमारे कोरोनल पार्ट को प्रिपेयर करता है, जो रूट होती है हमारी, रूट के कोरोनल पार्ट को प्रिपेयर करता है। इसके बाद जो S2 है ये प्रिपेयर करता है रूट्स के मिडिल पार्ट को, जो हमारी कैनाल है उसके मिडिल पार्ट को ये प्रिपेयर करता है। फिर फिनिशिंग के लिए हम F1, F2 और F3 फाइल का यूज़ करते हैं अपेक्स तक। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।